आज के ज़माना में फिल्में कौन नहीं देखता है, और ये बात हम बोल भी गा रहे हैं। भारत में जहाँ पे हर साल ना जाने कितने फिल्में रिलीज होती है, और जब से जियो आया है सबकी लाइफ तो विदाउट बफरिंग ही चल रही है और लोग मूवी पे मूवी देखते जा रहे हैं। अगर मूवी देखनी है तो अपने लाइफ में क्यों ना कुछ ऐसी मूवी देखे जो कि हमें जीवन में मोटिवेट करे, कुछ अलग नज़रिए से जीवन को देखने के लिए मजबूर कर दे, अपने जीवन में सक्सेस करने के लिए मजबूर कर दे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी 5 फिल्मों के बारे में जो कि अंग्रेजी फिल्में हैं और वो घिसी पिटी लव स्टोरी से हट के है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले नंबर की मूवी है डेड पोएट सोसाइटी, जो कि साल 1999 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म है तो काफी पुरानी, पर इसकी ज्ञान की बातों का जरूरत उतना ही आज है जितना कि कल था। इस फिल्म के मेन एक्टर थे रॉबिन विलियम्स, जो कि काफी उम्दे एक्टर थे। इस फिल्म में उन्होंने एक इंग्लिश टीचर की भूमिका निभाई है। उनका जो पढ़ाने का तरीका था सबसे अलग था। कैसे वे अपने स्कूल के बच्चों को घिसे पिटे पुराने सिस्टम से बाहर आने के लिए प्रेरित करते हैं और स्कूल के नॉलेज को छोड़कर बाहरी नॉलेज को देते हैं। उनका मानना होता है कि हर चीज जो होता है किताबों में नहीं सिमटा होता है, स्कूल के बाहर भी कुछ दुनिया होती है, किताबों के बाहर भी एक अनोखा दुनिया होता है। कैसे वो उनके प्रतिभा को प्रकट करने के लिए उनमें जोश पैदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि किताबों में ही हर ज्ञान नहीं सिमटा होता है, किताबों से आपके ज्ञान का नहीं पता चलता है, ज्ञान आपके व्यवहार से ही पता चलता है। दूसरी मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन, सिर्फ 3 चीज़ें जो कि हमें कॉम्पिटिशन की दुनिया में सर्वाइव करने और आगे बढ़ने में मदद करती हैं, वो है होप, बिलीव, धैर्य और आत्मविश्वास। आज के ज़माने में स्टार्टअप तो कोई भी कर लेता है, लेकिन आगे वही बढ़ पाता है जिसमें कि विश्वास और उम्मीद कूट कूट कर भरा हो। आज की इस मूवी में एक कहानी होती है एंडे नाम के व्यक्ति की, जो कि अपने वाइफ के झूठे मर्डर केस के जुल्म में जेल में चला जाता है। उसे वो सजा रास नहीं आती है और वह जेल से भागने के लिए ठान लेता है। जब वह जेल में बंद होता है तो वह पूरे 17 सालों में सिर्फ एक हथौड़े की मदद से जेल से भागने के लिए पूरा एक लंबा सुरंग खोद देता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम तभी कर सकता है जब उसके अंदर आत्मविश्वास हो, धैर्य हो और खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास हो, तभी आप बिना रुके थके काम को कर सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित करेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस मूवी से। नंबर 3 की मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, पता नहीं कितने लोगों ने इस मूवी को देखा है या नहीं देखा है, पर जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आज ही इस मूवी को जरूर से जरूर देखें। इस मूवी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी है क्रिस गार्डनर नाम की एक सेल्समैन की, जो कि अपने जीवन में काफ़ी हताश परेशान होते हैं और काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। उन्हें लैटरिंग में सोना पड़ता है, उनके बच्चे को लेकर लैटरिंग में सोना पड़ता है, उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली जाती है, लेकिन वो अपने जीवन में हताश और निराश होने के बजाय सारी मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं और सारी मुसीबतों से बाहर भी आते हैं और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी नाम कमाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये मूवी ज़रूर से ज़रूर देखें। नंबर 4 मूवी है हर। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ही बदल दिया है। लोग पहले चिट्ठी के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से बात करते थे, लेकिन आज तो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से बात करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ साथ आप सिर्फ उस चीज़ से जुड़ सकते हैं जिसकी कभी आपको आदत नहीं हुई, यानी कि आप सिर्फ आवाज़ से जुड़ सकते हैं जिसकी आपको आदत नहीं है। इस बात का जवाब आपको मूवी देखने के बाद मिल जाएगा। नंबर 5 फॉरेस्ट गम। दोस्तों, ये तो है ही एक कॉमेडी मूवी, लेकिन इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स पर जो बड़े तो हो गए हैं पर दिमाग उनका बच्चा है, पर ये बचपना जो है उनके लिए कोई कमजोरी नहीं है। जैसे कि हर बच्चा नई चीज़ों को देखता है और उनसे सीखता है, उसी प्रकार वो बच्चे की नज़रिए से किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं और उससे सीखते हैं। फॉरेस्ट गम, जो कि मूवी में उनका नाम है, उनका मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अपने फायदे के लिए किया जाए, कुछ चीज़ों को करने की चाह ही खुद में एक बड़ी वजह होती है। ये मूवी आपको हंसाने के साथ साथ आपके बचपन की यादों को भी खिलखिला उठेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है,